नमस्कार मित्रों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं ऑन हिज ब्लाइंडनेस पोएम कक्षा 12। जो पोएट्री है उसके थर्ड पोएम कंपोज्ड बाय जॉन मिल्टन। जॉन मिल्टन ने इसको रचा है और इनका जॉन मिल्टन का जन्म 1608 ईस्वी में हुआ था और उनकी मृत्यु 1674 ईस्वी में हुई। ऑन हिज ब्लाइंडनेस का मतलब होता है उसके अंधे होने पर। ये जो कवि हैं, कवि बहुत जल्दी अपनी उम्र के बीचों बीच ही इनकी आंखों की ज्योति चली गई थी, तो तब ये जो है ईश्वर को साक्षी मान करके ईश्वर के लिए इस कविता में इन्होंने अपने भाव व्यक्त किए हैं, उनको इसमें एक्सप्लेन किया गया है, उसकी व्याख्या की गई है। तो चलिए शुरू करते हैं, बहुत ही इम्पॉर्टेंट पोएम है। टेक्स्ट देखिए पहला। व्हेन आई कंसीडर हाउ माय लाइट इज स्पेंट एरे हाफ माय डेज इन दिस डार्क वर्ल्ड एंड वाइड। व्हेन आई कंसीडर, जब मैंने समझा हाउ माय लाइट इज स्पेंट, जब मैंने जाना कि मेरी आंखों की ज्योति किस तरह से चली गई है, अरे आप माय डेज मानो उम्र, मेरी आधी उम्र के पहले ही, इन दिस डार्क वर्ल्ड एंड वाइड, इस विस्तृत अंधेरे द्वंद्वमय संसार में, विशाल का संसार में मैं अंधा हो गया हूँ। मैंने जाना कि मेरी आधी उम्र के पहले ही मैं अंधा हो गया हूँ। एंड दैट वन टैलेंट विच इज डेथ टू हाइड लॉज्ड विथ मी यूजलेस दो माई सोल मोर वेंट टू सर्व देयर विथ माई मेकर। और एंड दैट वन टैलेंट, और एक ऐसा गुण जिसको मृत्यु हाइड माने छुपा लेगी, मृत्यु खा जाएगी, ले जाएगी, लॉज्ड विथ मी यूजलेस मेरे पास व्यर्थ में बना रहा, ऐसा गुण था मेरे पास में जो मेरे पास अंधे होने के बाद में मेरे पास बना रहा, व्यर्थ में बना रहा, वो व्यर्थ हो गया, बेकार हो गया। दो माई सोल मोर बेंट टू सर्व देयर विथ माई मेकर। जब मेरी आत्मा, अंतरात्मा, मेरा मन, मेरा हृदय बहुत ही उत्सुक था कि उस प्रतिभा के द्वारा, उस गुण के द्वारा मैं अपने मेकर माने बनाने वाले ईश्वर की सेवा करूं, उनकी प्रशंसा में कुछ लिखूं, उनकी प्रशंसा में कुछ कहूं, एंड प्रेजेंट माई ट्रू अकाउंट लेस्ट ही रिटर्निंग चाइल्ड, मैं अपने जीवन का शुद्ध सही लेखा जोखा उनके लिए, उनके सामने प्रस्तुत करूं, लेस्ट कहीं ऐसा ना हो ही माने वह ईश्वर रिटर्निंग चाइल्ड, जब मैं यहाँ से इस दुनिया को छोड़ करके उसके पास जाऊं तो मुझे चाइल्ड माइन फटकारे ना, डांटे ना। डॉट गॉड एग्जैक्ट डे लेवर लाइट डिनाइड आई फाउंडली यस। फिर मैं सोचता हूँ क्या ईश्वर, डॉट गॉड एग्जैक्ट डे लेवर लाइट डिनाइड, कि क्या ईश्वर मेरी आंखों की जो समाप्त करके मुझसे दिन पर दिन होने वाले कार्यों को कराना चाहता है, क्या वास्तव में ईश्वर की यही इच्छा है कि मेरी आंखों की ज्योति समाप्त कर दी है, मैं अंधा हो गया हूँ और अब वो मुझसे कार्य कराना चाहता है। यह मैं मूर्खतापूर्वक पूछता हूँ, मैं हठपूर्वक मूर्खतापूर्वक ये सोचता हूँ, क्या ईश्वर की यही इच्छा थी कि मैं अंधा हो जाऊँ और फिर मुझसे सारे काम कराए वो, जैसे कि मैं यूजुअली करता रहा था तभी। बट पैशंस टू प्रिवेंट, लेकिन मेरे अंतागण की आवाज़, मेरा हृदय, मेरा धैर्य, बट पैशंस टू प्रिवेंट क्या करता, टू प्रिवेंट रोकने के लिए, दैट मोर सून रिप्लाइज, इस बड़बड़ाहट को, मेरी बड़बड़ाहट को, मेरी घबराहट को रोकने के लिए शीघ्र ही उत्तर देता है। क्या उत्तर देता है, गॉड डोथ नॉट नीड इधर मैंस वर्क और हिज ऑन गिफ्ट्स, गिफ्ट्स हु बेस्ट वियर इज माइल्ड यॉक दे सर्व हिम बेस्ट। मेरा अंतःकरण मेरी बड़बड़ाहट को, घबराहट को समाप्त करने के लिए, शांत करने के लिए उत्तर देता है, गॉड डोथ नॉट नीड, ईश्वर को मानव के कार्यों की जरूरत नहीं है, और हिज ऑन गिफ्ट्स, और ना ही ईश्वर द्वारा दिए गए
जो मानव जाति को जो उपहार हैं, जो विभिन्न तरह के उपहार उसने दिए हैं, उनको वापस भी नहीं चाहता है। हु बेस्ट, केवल समझो, हु बेस्ट बियर हिज माइल्ड यॉक, वो उन्हीं को अपना सबसे अच्छा सेवक मानता है जो उसके माइल्ड यॉक माने उसके शासन को आराम से सहन करते हैं, इसके द्वारा दिए जाने वाले सुख दुख को आराम से सहन कर लेते हैं। दे सर्व हिम बेस्ट, वही सबसे अच्छी सेवा करते हैं, वही उसकी सबसे अच्छी सेवा करते हैं। क्योंकि अगले स्टेंजा में कहता है हिज स्टेट इज किंगली, क्योंकि उसकी स्थिति कैसी है, इज किंगली, राजाओं के समान है, महाराजाओं के समान है। थाउजेंड्स एट हिज बिडिंग स्पीड एंड पोस्ट ओवर लैंड एंड ओशियन विदाउट रेस्ट, क्योंकि हजारों की संख्या में यदि उसकी एकमात्र आज्ञा हो जाए तो हजारों की संख्या में दृश्य और अदृश्य शक्तियाँ जमीन पर और महासागरों में बिना रेस्ट के, बिना थके आज्ञा पालन करने के लिए तैयार रहती हैं। दे आल्सो सर्व हु ओनली स्टैंड एंड वेट, कब कहता है वो भी उसकी सच्ची सेवा करते हैं जो केवल खड़े होकर उसके अपनी बारी आने का इंतजार करते हैं, जो केवल खड़े होकर अपनी बारी आने का इंतजार करते हैं, वो भी उसकी सच्ची सेवा करते हैं। तो इस कविता में कवि ने हमें बता दिया कि किस तरह से व्यक्ति को यदि कठिनाइयां भी आ जाएं तो भी अपने मार्ग से, अपने उद्देश्य से विचलित नहीं होना चाहिए और ईश्वर की इच्छा मान करके सारे सुख दुख को हमेशा सहना चाहिए। तो ये रही पोएम, आपको कैसी लगी? अगर आपको ये पोएम अच्छी लगी हो, इसका एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। मिलते हैं अगले पोएम में, नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।